अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू न्यू इंडिया ब्लॉग। उम्मीद है आप सब खुश हो गए, खेल से अगर जाए कर रहे अपनी लाइफ को। यार अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लो, डेली ब्लॉगिंग पोस्ट होती है। यार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़, आप लोग जो लोग मुझे देखते हैं ना, जितने भी 40-50 लोग, आप लोग शेयर कर दिया करो यार अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी सब्सक्राइब कर दें। यार आपके भाई के 1K सब्सक्राइबर कम्प्लीट कराने हैं, आप लोग मदद करो प्लीज़। यार बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो आज का जो व्लॉग शुरू किया है, ये स्टार्ट में शुरू किया है, लबर का फोटो व्यू आया सर्दी के हिसाब से, वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। अभी मैं आज सफाई कर ली है, सुबह जल्दी मैं उठा हुआ था, तो मैंने अभी 9 बज रहे हैं, 9:30 का टाइम है, सफाई करके सारी को गया। नेस्टिंग माशाल्लाह डली पड़ी है, लोग ये लबर लेके भी जा रहे हैं। इंशाल्लाह अगर आप लोग बोलते हो तो नेस्टिंग प्रोग्रेस पे डब्बों की दिखा दूँगा आप लोगों को, कितनी नेस्टिंग करी है बहुत फिर। तो सॉफ्ट फूड अभी जो न्यू आया है, तो ये आया है माशाल्लाह, कल ही मंगवाया मैंने, तो ये आपके सामने है। अभी मैं इसको सारा आपको दिखाता हूँ, ये सॉफ्ट फूड है भाई माशाल्लाह, ये सारा सॉफ्ट फूड आपके सामने है। अभी इसको मिक्स करेंगे आपके सामने, हर चीज़ आपको दिखाऊंगा, जो जो यूज़ करनी चीज़ें। सर्दी के साथ सॉफ्ट फूड और बेस्ट सॉफ्ट फूड है, बेस्ट सारे ब्रीडर ये यूज़ करते हैं, मेरा ये कहना है। और आप लोग मुझे बताओ तो आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, और बार बार एक बार मेरे वीडियो को लाइक भी हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, कमेंट भी कर देना चाहता, ठीक है। तो और कल की एक बात, कल वाले व्लॉग में मैंने कॉकटेल का अंडा निकाला था, आप लोगों को पता हो तो माशाल्लाह अंदर दाना दे दिए बच्चे को, ठीक है। तो मैंने इसका अंडा निकाला था ना, तो उस अंडे में मैंने आप लोगों को बोला था बच्चा है, तो वो बच्चा मैंने कल या परसों निकाला था मेरे ख्याल में। तो मैंने आज जो देखा अंडा सफाई करते हुए ना, तो उसको बच्चा था लेकिन मरा हुआ था यार, मुझे अफसोस हो रहा है। कोई बात नहीं, आपके भाई का अंदाजा ले लो, ठीक था बच्चा था। तो आज का जो सॉफ्ट फूड की वीडियो में शुरू कर रहा हूँ, तो इसको आपको मैं दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। अभी रुको मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें। आपके भाई ने छापरें निकालना शुरू कर दी है, समय पहले तो आप लोग ये देख लो, ये है वाइट लोबिया, क्या है ये, ये है वाइट लोबिया छोटा आला, ये आपके सामने है, ठीक हो गया। अच्छा ये आ गई दाल, ये आ गई दाल, ठीक है, ये वाइट वाली दाल है, यह माशाल्लाह ये चीज़ आप तो खिलाओगे ब्रेड में देखना, ये दाल आ गई वाइट वाली, ठीक है। अच्छा जी ये आ गया है लाल लोबिया, ये बड़ा वो होता है क्या बोलते हैं, ये मैंने बड़ा वाला लिया, आप लोग छोटे वाला भी ले सकते हो लोबिया, ये बहुत सख्त होता है इसलिए इसको ज़्यादा भिगोना है। इसको मैं मिक्स नहीं करूँगा, इसके मैं डेली के ना एक पेड़ के ना एक पेड़ के दो तीन दाने बस, क्योंकि गर्म भी ज़्यादा हो रहा है, दो तीन दाने बहुत है, एक पेड़ के दो तीन दाने ये लाल लोबिया के, ठीक है। अच्छा जी और ये आखिर में आती है, ये क्या बोलते हैं मूंग होते हैं ना हरे वाले, हरे वाली दाल ये वो है, ठीक हो गया। ये सारी मैंने ना अपने जोड़ों के साथ छह जोड़े हैं, क्योंकि इसके अंदर लग जाती है, इसलिए मैंने एक एक पाव सारी चीज़ें मंगवाई है। पहले वाला फूड फूड मेरा खत्म हो गया था, मैंने न्यू मंगवाया सर्दी के साथ, बेस्ट फूड फूड है ये। अच्छा जी अभी आपको दूसरी चीज़ें दिखाते हैं, कुछ चीज़ें हमारी अपनी दुकान पर भी होती है, ठीक है। तो एक ये आ गया, ये है क्या बोलते हैं मकाई कटर, ठीक है मकाई कटर है। अच्छा हो गया भाई, ये थोड़ी चीज़ ज़्यादा है, ये थोड़ी आधा किलो रखी है, ये एक एक पाव रखी है मैंने। ये आ गई जोई, क्या बोलते हैं जवी, जवी ये जवी आ गई, ठीक है। और ये आ गया भाई काला चना छोटे वाला, ये आपके सामने, ठीक है, ये भी आधा किलो रखा है। तो ये सारी एक एक पाव है, ठीक है, और ये भी शायद मेरे ख्याल में एक पाव या थोड़ा सा ऊपर होगा। ये सॉफ्ट फूड आपके सामने रखा हुआ है भाई माशाल्लाह, अभी सॉफ्ट फूड को तैयार करते हैं, आपको दिखाते हैं मिक्स करके। तो आपके सामने बड़ी वी आई की वीडियो लाया सब्जी को, ये सॉफ्ट फूड ठीक है, माशाल्लाह बेस्ट सॉफ्ट फूड है लवर्स का, आप लोग ट्राई जरूर कर रहे हैं, आप लोग सॉफ्ट फूड जरूर ट्राई करवाना, अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, अगर अच्छा तो कमेंट भी करना, ठीक है। अभी मैं आपके सामने इन सबको मिक्स करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जब मैंने सॉफ्ट फूड की वीडियो बनाई थी ना लवर्स की, तो उसके अंदर एक चीज़ मेरे से मिस हो गई थी, वो क्या मिस हुई थी, गंदम। तो ये रखी हुई है गंदम, ये भी मिक्स करूँगा, मैंने उस टाइम मिक्स करी तो मेरे से मिस हो गई थी, मैंने वाला ऐड करूँगा वीडियो में। तो ये भी आपने ज़रूर देखी, गंदम भी आपने उसी हिसाब से एक पाव मिक्स कर देनी है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ये सारी चीज़ें थी बस। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब नहीं कर दे, ठीक है, और बस। दोस्तों आपके भाई ने सारा सॉफ्ट फूड खाली कर लिया, इसके अंदर खाली लोबिया के अलावा, लोबिया में तीन तीन दो चार चार दाने, ओ बल्कि तीन तीन दाने एक पेयर के रखूँगा। अब मैं इसको मिक्स करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ मिक्स करने के बाद कैसा इनका रिजल्ट आता है। तो आपके भाई ने सॉफ्ट फूड तैयार कर लिया, मैं हाथ धोने गया था, मिट्टी मिट्टी हो गए थे मेरे हाथ के, इनमें थोड़ी सी मिट्टी होती है, ये चेक करो भाई माशाल्लाह, चेक कर दो, ये लाल लोबिया मैंने मिक्स नहीं करी, ये अलग से रखती है। बड़ा ही प्यारा सॉफ्ट फूड आपके भाई ने मिक्स कर लिया है, मिक्स करने के बाद ये आया रिजल्ट आपके सामने, ये लोबिया मैं दो दो दाने तीन तीन दाने डाला करूँगा एक पेयर के हिसाब से। तो
तो यार माशाल्लाह अभी आपके सामने मेरे सर्दी का सॉफ्ट फूड आपको दिखा दिया है। आपने मैं बोल रहा हूँ ये यूज जरूर बनाना है यार आपको, क्योंकि ये सॉफ्ट फूड मेरे बोलता हूँ बेहतरीन है, आप लोग भी देख लेना और आपको मुझे पता मुझे जरूर बताना। कॉकटेल का सॉफ्ट फूड अलग यूज़ कराता हूँ आपके सामने भाई, कॉकटेल ये नहीं खाता, कॉकटेल का दूसरा खाता ये भी है, लेकिन ये यूज़ ही नहीं करवाना क्योंकि इनके बेबीज मर जाते हैं भाई माशाल्लाह, चिपके इनके भी मर जाते हैं ये, तो इसलिए इनको अलग सॉफ्ट फूड यूज़ करवा रहा हूँ और इनका अलग है। तो ये आपके मेरे सॉफ्ट फूड की मैं वीडियो में लेके आया हूं ताकि मैंने मंगवाया है कि अच्छा, और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ज़्यादा क्यों नहीं मंगवाया, मैंने एक एक पाव मंगवाया है, आप लोग को एक माइंड में आ सकता है, तो मैं इसका आपको वजह बताता हूँ कि मेरा कितना नुकसान हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ नुकसान अपना, एक मिनट रुको मैं ये उठाता हूँ प्याज, इसमें मेरा दाना रखा हुआ है, यहाँ पर भी दाना होता है, इस डब्बे में भी दाना होता है, तो मैं भी आपको नुकसान दिखाता हूँ अपना। अब ये आपको ना नुकसान देख के ना फिर आपको बोलना ये मेरा कितना सॉफ्ट फूड, आप लोगों को पिछले मेरे व्लॉग में पता होगा ये मेरा सॉफ्ट फूड अभी बचा है, ये मैं दिखाता हूँ अंदर से क्या होया पड़ा है। उस सॉफ्ट फूड को आप देखोगे ना अंदर से क्या आई है, पाउडर बना दिया इलियों ने भाई, पाउडर खुल जाए छा पर, ये देखो अरे भाई खुल जाए यार, देख रहे हो ये इलियों ने इसका पाउडर बना दिया भाई, खा खा के इन्होंने इलियों ने इतना खाया, ये इलियाँ होती है, एक होती इलियाँ, एक होती इलियाँ, सही है, अरे इलियाँ जो होती है ना इलियाँ, उन्होंने ये मेरे सोफ्ट को खाया अंदर से, खाते गए सुराख कर दिया जो गंदम में लगती है, तो उन्होंने खा खा के उसको सुराख करके पाउडर बना दिया था यार, मैं इतना बस हुआ अफसोस के सोफ्ट फूड सारा मेरा ख़राब होते होते अल्लाह ताला ने बचा लिया, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। अभी यह आपके सामने इसलिए मैंने एक कम मंगवाया था कि बचत रहे, अभी यहाँ पर मेरा कितना दाना पड़ा आपके सामने, अभी इस गंदम में भी थोड़ी थोड़ी इली है ठीक है, क्योंकि इलियाँ भाई लगी जाती है किसी न किसी तरीके से, मैं बचत करने के चक्कर में डब्बे में रखता हूँ, अब ये सॉफ्ट फूड में डब्बे में रखूँगा भाई, इलियाँ लगती है ना सारा पाउडर कर देती है, बिल्कुल पाउडर कर देगी ठीक है। तो अभी आपके सामने मैंने मेरा सॉफ्ट फूड बना लिया सर्दी के हिसाब से, आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो ठीक है ना। आपका भाई थोड़ी देर के लिए लेके आया था, डब्बे में मैं वो जो सॉफ्ट फूड होता बचा वो लेके आया था, इन दोनों को भी डाल दिया है ठीक है, ये दोनों माशाल्लाह खा रहे हैं आपके सामने। कल मैंने रात को चारू को ना टोकरे में बंद कर दिया था, लेकिन भाई ये काली मुर्गी लड़ने लगी थी उससे मेरे वाली मुर्गी से, तो फिर मैंने खोल दिया, इन दो को टोकरे में बंद किया, उन दो को वहाँ रख दिया था, क्योंकि ये ना टोकरे में इन दो को इसलिए बंद किया, मैं किसी को बंद नहीं कर रहा टोकरे में, ये मेरे बाइक पर टोकरा रखा हुआ है, टोकरे को नीचे गिरा के बाइक पर चढ़ के, फिर आपको पता है बाइक पर चढ़ते ना बीठे करते हैं यार, फिर सफाई नहीं होती बाइक पर, फिर हम बैठते हैं, इसलिए मैंने कपड़ा भी लगाया आपके सामने और टोकरा भी रखा है, इसलिए अभी मैं इन दो को भी बाहर करता हूँ, वो देखो वो कहाँ चढ़ के बैठे, सलाम है ऊपर चढ़ के बैठने की इनको बहुत आदत है, चलो बैठ जाओ, तुम्हारे लिए मैंने डाला हुआ प्लेट में दाना, सुबह भी मैंने दिया था, अभी इनको वापसी दे दिया, जाओ खा लो प्लेट में, जाओ चले जाओ, अरे चले जाओ प्लेट में, अभी इनको मैं बाहर की तरफ करता हूँ। ये भी भाई लवबर्ड का सॉफ्ट फूड मज़े ले लेके खाते हैं, इनको खुद नज़र आएगा ना, खुद जाके प्लेट में मैंने डाल दिया इनके लिए, अच्छा कुंडी में पानी भी कम है, पानी भी आपका भाई डालता है, इनको मैं प्लेट आगे कर देता हूँ, अब आएगा देखा, ये माशाल्लाह खा रहे हैं और कीड़ियाँ भी आ गई क्योंकि दाना गिरा हुआ है, और इनको पत्ती भी डाली थी ऊपर से, देख रहे हो ये यहाँ पर मुर्गी भी इसके साथ ही जोड़ा है, मेरे ख्याल में एक साथ ही रहता, दूर नहीं जाता, और वो भी एक साथ ही रहते हैं माशाल्लाह, दोनों खाने लग गए और ये दो भी माशाल्लाह खुश है। तो यार कल वाले लोग के मुझे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला है, जो मुर्गियाँ मैंने बोला था गिफ्ट आई है, तो रिस्पॉन्स दिखाया करो व्लॉग के ऊपर यार, आपका भाई मतलब मेहनत भी करता है, ऐसी बात नहीं है, आप लोग जैसे डेली व्लॉगिंग करना मैं बोलता हूँ आसान नहीं है, जो कर रहा है उसके सलाम है, मैं भी कर रहा हूँ तो मुझे भी सलाम होना चाहिए, तो उसके सपोर्ट भी मिलनी चाहिए, तो बस यही बात बार बार बोलते हुए अच्छा ही लगूंगा, चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह एक दिन सपोर्ट मिलेगी इंशाल्लाह अज़ा वजह। तो ये आज का व्लॉग था, अगर व्लॉग अच्छा लगो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल मलिक और हमारे चैनल, चलो आपका और मेरा बस हमारे चैनल मलिक के मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, किसी मिली के किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।